जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़े, और मेरे लेवल पे ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पे ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है। तेईस फरवरी के डाटा है जो अपने एनालिसिस करेंगे, 24 तारीख को अपने को काम लगेंगे कि कल मार्केट क्या रह सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट, DII, FII और प्रो के डाटा। क्लाइंट एक दिन पहले 16,756 लॉन्ग थे, आज उन्होंने और ऐड कर दिए 5,210 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पे 21,966 कॉन्ट्रैक्ट उनके प्लस है। DII एक दिन पहले 41,785 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, आज 3,288 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा दिए, नेट बेसिस पे 45,073 कॉन्ट्रैक्ट माइनस है। FII एक दिन पहले 18,824 कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे, आज उन्होंने 1,241 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए, नेट बेसिस पे 20,065 कॉन्ट्रैक्ट ऐड है। प्रो एक दिन पहले 6,205 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज उन्होंने माइनस 3,163 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, मैंने अनवाइंडिंग कर दिए, नेट बेसिस पे 3,042 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उनके प्लस है। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट कल तक 11,654 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज उन्होंने सडनली 1,25,230 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर दिए कॉल के, यानी तेजी खेले, तो नेट बेसिस पे उनके 1,13,576 कॉन्ट्रैक्ट प्लस है। FII एक दिन पहले 1,12,630 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज उन्होंने 11,535 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग कर दिए, नेट बेसिस पे 1,01,095 कॉन्ट्रैक्ट उनके प्लस है। प्रो एक दिन पहले 1,01,794 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, आज उन्होंने और बढ़ा दिए, 1,13,695 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के, तो नेट बेसिस पे 2,15,490 राउंड फिगर पकड़िए 89 कॉन्ट्रैक्ट उनके माइनस है कॉल के, यानी मंदी। अब देखते हैं इंडेक्स पुट में क्या है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट एक दिन पहले 2,78,681 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, आज 36,375 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा दिए, नेट बेसिस पे 3,15,056 कॉन्ट्रैक्ट माइनस है। DII का तो 9 कॉन्ट्रैक्ट की है ऐड हुआ है। FII एक दिन पहले 2,34,863 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग थे, आज 30,216 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा दिए, माने 2,65,079 कॉन्ट्रैक्ट उनके प्लस है पुट के, यानी मंदी है। प्रो एक दिन पहले 1,635 कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे, आज 6,149 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिए, नेट बेसिस पे 7,784 कॉन्ट्रैक्ट प्लस है उनके। अब कंक्लूजन पे आते हैं अपने। कल हिसाब से तो, डाटा के हिसाब से तो लग रहा है मंदी नीचे ही हो रहा चाहिए बाजार। यदि गैप अप खुले तो अपने को पुट लेके ट्राई करना चाहिए, तो अपने को अच्छा पैसा मिल सकता है। क्यों, यहाँ पर क्लाइंट ने पूरे शॉर्ट किए 2,15,000 और प्रो ने और क्लाइंट ने प्लस किया है 1,13,000। तो कल मार्केट मेरे हिसाब से एक बार नीचे आना चाहिए, यदि गैप अप खुलता है तो पुट लेना चाहिए, पुट लेके ट्राई करना चाहिए। और FII भी लॉन्ग अच्छे पुट के डाटा देखिए, 2,65,000 के कॉल में कोई चले आ रहे हैं, 10-11,000 ही उन्होंने अनवाइंडिंग किए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है उनका। और इंडेक्स फ्यूचर भी 18,000 थे, उसमें 1,241 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए, 20,000 ही है। और यह क्लाइंट ने भी बढ़ाया 5,210 कॉन्ट्रैक्ट, मैंने 21,966। मेरे हिसाब से कल एक बार नीचे की ओर आना चाहिए बाजार, फिर देखते हैं क्या वर्ल्ड मार्केट खुलता है क्या नहीं। अब चलते कैश मार्केट में क्या किया। कैश मार्केट में FII ने 4,623 करोड़ का माल बाई किया, सेल वैल्यू 8,040 करोड़ का, नेट बेसिस पे 3,417.16 करोड़ का माल बेचे हैं। DII ने 23 फरवरी 6,892 करोड़ का माल लिए, 3,868 करोड़ का माल बेचे, नेट बेसिस पे 3,024 करोड़ का माल उन्होंने प्लस किए हैं। अब चलते हैं ऑप्शन डाटा में।
ऑप्शन डाटा में सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन रहेगा ये कि यहाँ पुट भी अच्छी तरह से बिका हुआ है, पुट भी सेल किया है और 87,000 तो सबसे हाईएस्ट कोलो में है, तो 17,200 कल रजिस्टेंस रहेगा ऊपर का और उसके बाद 17,100 मेक एंड ब्रेक लेवल यही रहेगा नीचे और ऊपर की ओर, दोनों साइड कॉल और पुट दोनों साइड राइटिंग है 30,900 और 36,000 और यहाँ सारे जगह कॉल देखिए यहाँ पर इन लोगों ने अनवाइंडिंग कर दी है, कल बाजार नीचे की ओर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर देखते हैं कल क्या हो सकता है, वर्ल्ड मार्केट के ऊपर है, यहाँ पर भी कुछ देखिए यहाँ पे 17,000 पे भी इन लोगों ने अनवाइंडिंग कर दिए है पुट में, तो सपोर्ट जो निकल के आएगा वो 17,000 आएगा पहला और 17,000 के बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा 16,900 और 16,800 ये दो सपोर्ट है, 16,900 16,800 तो ये थे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन है, बैंक निफ्टी में 37,500 रजिस्टर्न रहेगा और ऊपर में यदि जाता है तो 37 हर 100 लेवल 100 पॉइंट के ऊपर एक एक रेजिस्टेंस आ ही रहा है, तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 37,800 तक जाना चाहिए मैक्सिमम, कि यहाँ 34,000 कॉल राइटिंग है और यहाँ पर भी देखिए अनवाइंडिंग किए है 37,000 पे, 37,300 पर भी अनवाइंडिंग है कॉल की और पुट में सपोर्ट देखते हैं अपने, तो सपोर्ट पे 37,300 का सपोर्ट पकड़ लीजिए, माइनर है कोई बड़ा नहीं है, मेजर सपोर्ट रहेगा 37,000 का, 37 टूटने से फिर आपका 36,800 जो इस अगले वीक में था और उसके बाद 36,500 ये दो सपोर्ट रहेगा, मैंने 36,800 पकड़ लीजिए, 36,800 से लेकर 37,500 का रेंज रहना चाहिए, 500 के ऊपर 37,800 तक मैक्सिमम, 36,800 से 37,800 कल का रेंज रहना चाहिए दोनों साइड। अब वर्ल्ड मार्केट क्या खुल रहा है उसी के ऊपर है, यदि आपको मेरा डाटा लेवल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले, और स्लाइड्स का वीडियो मैंने पहले अभी भेज दिया थोड़ा देरी पहले तो वहाँ पर भी देख ले, वहाँ पर मैंने कॉल लेने को कहा था यदि मार्केट गैप डाउन खुले तो, और गैप अप खुले तो पुट लेके भी बोला था, तो अपने दोनों साइड रेडी रहेंगे। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। This slides video is for education learning purpose only. Any query, WhatsApp number 9830555353. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।